हेलो एवरीवन, आई चेतन काकलोतर फ्रॉम परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सहरसा, क्लास 12 साइंस, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट 7, पी ब्लॉक एलिमेंट, टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, तो अभी वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। So let us start with the topic is property of oxygen. First, physical property. What about oxygen? We know that oxygen molecular formula क्या है student, oxygen का O2 and ozone का क्या है O3. So अभी क्या कह रहे हैं, according to physical property ओजोन यानी कि O3 पोजेसिंग लाइट ब्लू कलर इन द गैसियस फॉर्म, डार्क ब्लू कलर इन अ लिक्विड फॉर्म एंड डार्क वायलेट कलर इन अ सॉलिड फॉर्म। सो ये एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट ओजोन की, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है, जब वो लाइट ब्लू कलर होगा तो कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में। डार्क ब्लू कलर होगा स्टूडेंट तो लिक्विड में फॉर्म में होगा, और डार्क वायलेट कलर होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। यानी कि ओजोन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तीन स्टेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट, ओजोन प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, लेस प्रोपोर्शन ऑफ ओजोन इज नॉट हार्मफुल, उसके प्रपोर्शन कम होगा राइट तो वो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट इफ इट प्रपोर्शन एक्सेस 100 ppm, अगर ओजोन का जो प्रपोर्शन है स्टूडेंट वो 100 ppm से ज़्यादा होगा तो वॉट हैपन, देन डिफिकल्टी टू रेसिप्रेशन डेवलप and as a result of this there is experience of headache and suffocation right। तो जब भी हमें हेडेक और सफोकेशन होता है तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का प्रपोर्शन लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, कैसे कि 100 ppm से ज़्यादा हो गया होगा। नेक्स्ट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टूडेंट, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन आर एस ऑन बिलो, O3 उसका स्ट्रक्चर है ओजन का। सो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। सो ये जो बॉन्ड शिफ्ट होता है उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर राइट। तो ये ओजन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, और ओजन यानी कि O3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन मोलिकल्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 117 डिग्री राइट। अभी उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। तो क्या होता है ऑक्सीजन में केमिकल प्रॉपर्टी में, नास्केट ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ ओजन हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीजन ओजोन का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, O2 प्लस O हमें मिलेगा, तो फिर से वो कंबाइन होकर O3 बनेगा, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। हेंस ओजोन ऑक्सीडाइज लेड सल्फेट टू लेड सल्फेट एंड आयोडाइड टू आयोडीन। अभी देखिए रिएक्शन में हम समझ पड़ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। PbS यानी कि लेड सल्फाइड, सल्फाइड क्यों बोला, कई Pb+2 की वैलेंस कितनी है, +2, और S की कितनी है, -2, इसलिए ये फॉर्मूला बना है Bs। तो उसका नेमेनक्लेचर क्या होगा स्टूडेंट, लेड सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओजोन O3 गैसेस फॉर्म में है, सो वी गेट PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन। लेड सल्फेट बना वो कैसे पता चला स्टूडेंट, कि भाई SO4 है तो उसके सफिक्स में क्या आएगा, सल्फेट, लेड तो है
तो लेड सल्फेट फॉर्म होगा। तो ये था स्टूडेंट, आगे बोला कि सल्फाइड कन्वर्टेड टू सल्फेट किसके प्रेजेंस में होगा, ये ओजोन के प्रेजेंस में। सो उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, आयोडाइड आयन, आई माइनस है, देखिए स्टूडेंट आई माइनस, आयोडाइड आयन आयन फॉर्म में है, किसी के साथ रिएक्ट किया नहीं है, रिएक्ट विथ वाटर लिक्विड फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, सो वी गेट हाइड्रोक्साइड प्लस आई टू सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। सो आयोडाइड आयन में से हमें मिला आयोडीन, देखिए स्टूडेंट टू आई माइनस में से हमें क्या मिला आई टू। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी सल्फाइड कन्वर्टेड टू सल्फेट एंड आयोडाइड आयन कन्वर्टेड टू आयोडीन विद द हेल्प ऑफ ओजोन गैस। सो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड कमिंग आउट फ्रॉम द एग्जिट ऑफ सस्पेंस सुपरसोनिक जेट प्लेन रिएक्ट विथ ओजोन एंड फ्रॉम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है रिएक्शन में देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, NO, रिएक्ट विथ ओजोन O3, उसमें से हमें क्या मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी, इन द सेम वे इट फ्रॉम ऑक्सो एसिड बाय रिएक्शन विथ मॉइस्चर कंटेनिंग सल्फर फॉस्फरस एंड आर्सेनिक। क्या होता है स्टूडेंट देखिए, सल्फर रिएक्ट विथ वाटर राइट मॉइस्चर, क्या बोला उस लोगों ने, मॉइस्चर कंटेनिंग सल्फर राइट, तो वाटर हमें का मॉइस्चर फॉर्म होगा प्लस ऑक्सीजन ओजोन O3। सो एस में से हमें डायरेक्ट क्या मिला सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड फॉस्फरस रिएक्ट विथ मॉइस्चर वाटर है 5 मोल ऑफ ओजोन, सो वी गेट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। लास्ट आर्सेनिक, सेम अबो रिएक्शन स्टूडेंट, मॉइस्चर वाटर प्लस ओजोन वी गेट H3ASO4 प्लस O2। सो सारे के सारे रिएक्शन है स्टूडेंट, उसमें से सल्फर और लेड, सल्फर फॉस्फोरस, लेड नहीं है फॉस्फोरस। तो सल्फर में से क्या बनता है H2SO4 जो कि एसिड है, लेड में से क्या बनता है सॉरी फॉस्फोरस में से क्या बनता है फॉस्फोरिक एसिड, उसमें उसी तरह आर्सेनिक में से भी आर्सेनिक एसिड ही फॉर्म होता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद उसके यूजेस है, ओजोन इज अ यूज टू स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, इट इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर ब्लीचिंग ऑफ डिफरेंट ऑयल फ्लोर एंड स्टार्च, इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस नेम पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। नेक्स्ट है स्टूडेंट सल्फर, ऑक्सीजन में दो पार्ट थे ऑक्सीजन और ओजोन राइट, तो वो पूरे कंप्लीट कर दिए है, अभी आ रहा है सल्फर। सो लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट एलोट्रॉप से हम स्टार्ट करेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, अमोंग द डिफरेंट एलोट्रॉप ऑफ सल्फर येलो रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर उसको बोलेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा सल्फर बोलेंगे, आर वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा और बीटा दोनों जो है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर आर वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर. कौन सा स्टेबल फॉर्म में है? जो येलो कलर का है, जो अल्फा सल्फर है, वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल मिलेगा हमें स्टूडेंट. व्हेन इट इज हीटेड 369 केल्विन टेम्परेचर, जब आप इसको हीट करेंगे 369 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर, यानी कि रोम्बिक कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक एट 396 केल्विन टेम्परेचर. ये हमें याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. रोम्बिक सल्फर यानी कि अल्फा सल्फर. रोम्बिक सल्फर इज अ येलो कलर, मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन टेम्परेचर. ऑन इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर प्रिपेयर्ड इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, रोम्बिक सल्फर इज ऑब्टेन. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन अल्कोहल. रोम्बिक सल्फर अल्कोहल बेंजीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है. अभी क्राउन स्ट्रक्चर और चेस्ट स्ट्रक्चर ये याद रखेगा. H8 के और H6 मॉलिक्यूल. H8 का स्ट्रक्चर कैसा स्टूडेंट? क्राउन जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्राउन स्ट्रक्चर बोलेंगे. H6 का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट चेयर स्ट्रक्चर, चेयर के जैसा आपको दिखाई दे रहा है. बॉन्ड एंगल उसके अंदर प्रेजेंट किया गया है. सो ये थी रोम्बिक सल्फर. अभी आ रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर. मोनोक्लिनिक सल्फर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. इट इज मेल्टिंग पॉइंट इन 393 केल्विन टेम्परेचर. उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 393 केल्विन. व्हेन रोम्बिक सल्फर इज मेल्टेड इन अ डिश एंड देन कोल्डेड मोनोक्लिनिक सल्फर इज ऑब्टेन्ड. मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल एट अ टेम्परेचर हायर देन 369 केल्विन. 369 केल्विन से अप टेम्परेचर होगा तो इसका स्टेबल फॉर्म हमें मिलेगा. एंड इट इज चेंज टू रोम्बिक सल्फर एट अ लोअर टेम्परेचर. जो इससे कम टेम्परेचर हो जाएगा तो वो फिर रोम्बिक सल्फर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा. एज अ कॉन्ट्रास्ट टू दिस, रोम्बिक सल्फर इज अ स्टेबल रूम टेम्परेचर लोअर देन 369, बट इट इज चेंज अ मोनोक्लिनिक सल्फर एट अ हायर टेम्परेचर. वी नो डेट अबाउट दिस, कन्वर्ट होता है दोनों एक दूसरे में से 369 केल्विन टेम्परेचर पे. एट द 369 केल्विन टेम्परेचर बोथ द एलोट्रॉप्स आर स्टेबल. हाँ, ये MCQ में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. विच टेम्परेचर बोथ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर आर स्टेबल. विच टेम्परेचर शुरू 369 केल्विन. एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. Both these possessing acid molecule, in a both of this acid molecule in the form of crown which is a figure 5.2, in a last two decades it has been possible to prepare a sulfur molecule containing 6 to 20 atoms. As a result, research the cyclic structure of H6 molecule is of a chair from its shown as figure 5.2 in B. राइट स्टूडेंट, तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर था वो चेयर फॉर्म है और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्राउन फॉर्म है सल्फर का. तो ये थी सल्फर के बारे में इंफॉर्मेशन, जो सल्फर के टू इलेक्ट्रॉन्स है, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर. फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. रोम्बिक सल्फर येलो कलर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, 396 केल्विन होगा टेम्परेचर स्टूडेंट, तब वो रोम्बिक में से मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है. तो दोनों कौन से टेम्परेचर पे स्टेबल है स्टूडेंट? 396 केल्विन टेम्परेचर पे स्टेबल है. S8 का स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर बोलेंगे और S6 का स्ट्रक्चर हम चेयर फॉर्म बोलेंगे. सो ये थे एलोस्टॉप ऑफ सल्फर. उसके बाद आता है कंपाउंड ऑफ सल्फर. सो सारे कंपाउंड उसमें से फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा. सो फर्स्ट प्रिपरेशन है
when sulfur is combust in air or oxygen gas, कोई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड विथ अबाउट 6 to 8% सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन. सो सल्फर प्लस ओ टू ऑक्सीजन दो गैसेज फॉर्म में है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है. सो वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज फॉर्म में हमें मिल जाएगा. इन लैब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्टेन बाई द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ द सोडियम सल्फेट. Na2SO3 react with HCl, sodium sulfate react with hydrochloric acid, so we get sulfur dioxide water plus salt, NaCl का salt मिलेगा. In industry, sulfur dioxide obtained as a by product during the roasting of sulfide mineral, so ये है sulfide minerals है, sulfide का FeS2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. सो वी गेट Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसी तरह भी हमें SO2 मिल सकता है. सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन दिस वे इज ड्राइड एंड स्टोर्ड इन अ लिक्विड स्टेट अंडर द प्रेशर इन अ स्टील सिलेंडर. अभी उसके बाद आती है प्रॉपर्टी SO2 की. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, हैविंग अ इंटेंस स्मेल, पोजेसिंग अ बर्निंग इफेक्ट. इट्स सॉल्युबल वाटर, वेरी हाई प्रोपोर्शन. इट्स बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन. गेट लिक्विफाइड एट अ रूम टेम्परेचर एट प्रेशर 2 bar. सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंगुलर दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला में. स्ट्रक्चर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होता जाएगा. उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सल्फरस एसिड इज ऑब्टेन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द वाटर. SO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO3 मिल रहा है, नॉट H2SO4 स्टूडेंट. H2SO3 इट इज नेम इज सल्फरस एसिड. It is formed sodium sulfate in the first step by reaction NaOH react with more proportion of sulfur dioxide and more sodium hydrogen sulfate. NaOH sodium hydroxide SO2 के साथ react करेगा, Na2SO3 मिल जाएगा water. ये Na2SO3 जो हमें मिला है वो water से फिर से react करेगा तो SO2 उसमें से react होगा तो हमें मिलेगा NaHSO3 जो कि aqueous form में है. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड फॉर्म सल्फ्यूराइड क्लोराइड SO2Cl2. फॉर्मूला है उसका. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5. सो SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 गैस, सो वी गेट SO2Cl2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड O2 ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटोक्साइड, सो वी गेट SO2. It makes color acidic solution of KMnO4 colorless and this thus it act as a reducing agent. SO2 react with MnO4 in the presence of water, so SO4 minus 2 H plus Mn plus 2, so ये colorless solution हो जाता है acidic medium में. उसके बाद आते हैं uses SO2 का student क्या है. It is useful for purification of petroleum and sugar. It is also used in a bleach wool and silk and to dissolve certain organic and inorganic substance. Liquid sulfur dioxide used as a solvent. Sulfur dioxide is used as industrial production of sulfuric acid, sodium hydrogen sulfate and calcium hydrogen sulfate. Right student? So ye thi information SO2 ke bare mein. To aaj humne kya padha student ki फर्स्ट सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन से, देयर आर टू टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स राइट, रॉम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. 396-369 केल्विन टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता. रूम टेम्परेचर पे रॉम्बिक सल्फर है वो येलो कलर का है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होगा. हाई टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक स्टेबल होता है. राउंड स्ट्रक्चर है एसेट का, चेयर फॉर्म है S6 का. उसके बाद
उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब हमने देखा, उसके बाद हमने यूजेस देखा, राइट स्टूडेंट। तो ये थी सल्फर के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे सत्य साहब।